है नर्सिंग फैसिलिटी विद एके के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आरती कड़वे आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी डिलीवरी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में होने वाली है तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इन सब विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। अगर आपको प्रेगनेंसी है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हो कि आपका कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा वीक्स चल रहा है, ये आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तिथि दी जाती है, उसके नज़दीक पहुंचता है तो यहाँ पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन सेक्शन होगा, किस तरीके से हमारी डिलीवरी होगी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर टेंशन लेते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस होते रहता है, तनाव लेते हैं, जिसके कारण आपकी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगती है जो नहीं होना चाहिए। तो ये मेन कारण होता है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं सोचना है, जो होगा अच्छा होगा। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, आपका बीपी, ब्लड शुगर लेवल पता रहना चाहिए और हीमोग्लोबिन स्तर, मतलब HB कितना है, कितने ग्राम खून है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन स्तर 11 से कम है तो आपको क्या करना है, जो भी आयरन फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट आपको आशा द्वारा, आंगनवाड़ी से या फिर हॉस्पिटल से जो भी प्रोवाइड करवाए गए हैं वो नियमित रूप से आपको लेना है। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आप खा सकते हो, जैसे गाजर होता है, अनार होता है, जिसे खाने से आपका जो ब्लड है वो बढ़ता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप ले सकते हो जिनसे आपका हीमोग्लोबिन स्तर जो है अच्छा बना रहेगा। इसके बाद बीपी की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, भोजन में ज़्यादा नमक नहीं खाना है, हो सके नॉर्मल जो नमक है उतना ही खाएं, एकदम ज़्यादा नमक नहीं लेना है, इससे क्या है आपका बीपी बढ़ सकता है। ओके, शुगर की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल आपका, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो भी यहाँ पर शुगर लेवल बढ़ सकता है, तो आपको क्या करना है, नियमित रूप से चेकअप करवाना है, जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर गायनेकोलॉजिस्ट हो, जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हो, कंसल्ट करवा रहे हो, वहां जाकर आपको नियमित रूप से अपना टेस्ट करवाते रहना है। खासकर बीपी, शुगर और हीमोग्लोबिन स्तर आपको पता रहना चाहिए। देखो, हीमोग्लोबिन स्तर इसीलिए क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ये आपको पता है, नॉर्मल है कि ब्लड लॉस होता है यहाँ पर, तो इसीलिए पहले से अपनी बॉडी में एक एवरेज मात्रा में ब्लड होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि जैसे मौसम परिवर्तन होता है, आप देख रहे हो इन दिनों में बारिश हो रही है, वायरल फीवर चलता है, बीमारियाँ फैलती है बारिश के समय में, और मौसम चेंज होते रहता है, ये ऐसा समय है, तो आपको क्या करना, अगर आपके घर में किसी को वायरल फीवर है तो थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी है, वायरल फीवर ना हो। अगर मच्छर वगैरह ज़्यादा है तो आप लोग थोड़े से प्रोटेक्ट रहिए कि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान, इसका असर बेबी पर भी पड़ता है नहीं, तो इसीलिए विशेष ध्यान रखें, बारिश के मौसम में जितना हो सके उतना अपने आप को प्रोटेक्ट करके चले। ओके, फिर आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है या फिर प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, तब से आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में वॉक करना है, मतलब चलना है, घूमना है, थोड़ा सा चलते रहना है, 10 से 15 मिनट या फिर आधा घंटे या 15 मिनट आप चल सकते हो, घूमना आपको सुबह शाम करना है। उसके बाद आप डक वॉक कर सकते हो, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हो, अगर आपको किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है, किसी ने कोई मना नहीं किया, जैसे कुछ कुछ केस होते हैं जिसमें ये मना कर दिया जाता है कि आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो आप लोग के डॉक्टर के कंसल्ट के अनुसार आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो देखिए बारिश के मौसम में थोड़ी कम प्यास लगती है, ये मौसम परिवर्तन है इसलिए थोड़ा पानी कम पीते हैं हम गर्मी की अपेक्षा, तो आपको क्या करना है कि पानी पीना बंद नहीं करना है, नियमित रूप से कम 2.5 से 3 लीटर दिन में पानी पीना ही है। इससे क्या होगा कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो भी मेंटेन रहेगा, साथ में जो आपकी बॉडी है उसमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा, हाइड्रेट बनी रहेगी, तो ये ध्यान रखनी है। ओके, और लास्ट बात ये है कि अगर आपकी डिलीवरी का एक महीना बचा हुआ है, कि लास्ट महीना चल रहा है, तो आप जहाँ
ज़्यादा से ज़्यादा हो कि ठंडा पीना खाना अवॉइड करें, ठंडा पानी नहीं पीना है। अगर आप गुनगुना पानी पी सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो अगर गुनगुना पानी पीना चाहते हो तो वह पी सकते हो। अगर नहीं भी पी रहे तो नॉर्मल वाटर पीजिए, ठंडा फ्रिज का पानी पीना बंद कर दीजिए डिलीवरी के में। ओके, तो ये बातें हैं जिन्हें आपको फिर से ध्यान रखनी है। और इसके बाद भी आपके कोई कमेंट्स है, कोई डाउट है डिलीवरी से लेके, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।